गजब गजब, लेकिन पागल है तुम लोग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, और ये जो पोशाक हम लोगों ने पहना है तो इससे आप देख के समझ जाएंगे कि हम लोग अभी टूर पे निकले हुए हैं। और ये है विकास भाई, एकदम बोकारो में हम लोग अभी है गाइस। तो ऑलरेडी 170 किलोमीटर हम लोग कवर अप कर चुके हैं, और कुछ दिखाने का था नहीं तो ब्लॉग मैंने बनाया भी नहीं। और अब यहाँ बोकारो से हम लोग रांची जा रहे हैं। रांची से कितना देर और यहाँ? 1.5 घंटा, 2 घंटा। रांची से 2 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा यहाँ से लग जाएगा। तो चलते आगे, वहाँ दिखाएंगे कहाँ जा रहे, क्या अभी ये सस्पेंस बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब रोड पे हम लोग आगे। दो उंगली दिखा दिए। तो हम लोग अभी 102 किलोमीटर है जहाँ जा रहे हैं लोकेशन, वो 102 किलोमीटर है यहाँ से। अब बोकारो से ये सीधा रास्ता चला जाएगा रांची की तरफ। चलिए और अब हम लोग ले लेंगे टर्न यहाँ से। बोकारो शहर में आपका स्वागत है। काफ़ी प्लान सिटी है दोस्तों, सेक्टर वाइज बटा हुआ है। और यहाँ से जो रांची का रोड है बहुत खूबसूरत रोड है रांची का यहाँ से। तो अभी तक मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे पल्लव भाई, उनका समझ में आ गया होगा। चलिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, रामगढ़ 76। अब चलते हैं, थोड़ा सा रस है, थोड़ा सा रस से निकलना होगा यहाँ से। आज गर्म काफी है दोस्तों, अब धूप आने लगा है जोर से और गर्मी भी लग रही है, पसीना आज बह रहा है। तो फाइनली अब खून पसीने का दिन आ गया, अब कि आपको ब्लॉग बनाने के लिए खून पसीना बहाना होगा। सेक्टर 12, तो यहाँ से रांची 105 किलोमीटर, जैना मोड़ 12 किलोमीटर, पीटर बार 33 किलोमीटर। अब एनएच आ जाएगा, लेफ्ट साइड जो ट्रक जा रहा है वो चास जाएगा, राइट साइड रामगढ़। आगे देखो भाई, तीन लोड ऊपर से पीछे देखते हैं एनएच में। और अब हम आ गए एनएच में। अब एनएच है और इधर से रामगढ़ होते हुए बस किधर निकलना है मुझे तो पता नहीं। इस तरफ से गोला आएगा बीच में, तो गोला आएगा बस, फिर रास्ता जुड़ जाएगा भाई। ट्रैफिक तो रस है इतना, तो संडे की वजह से। गजब गजब, लेकिन पागल है तुम लोग। देखा दोस्तों, रॉन्ग साइड में ट्रक। बोकारो से तो ये रोड बहुत अच्छा बन गया है, ये तो जरूर है। अब जो हमारी स्पीड है वो मेंटेन रह जाएगी, और यही एनएच है। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं, गोला पे कहीं से स्टॉपेज लेंगे, तो वहाँ पे अगर कुछ अच्छा दिखाने को होगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि एनएस क्या दिखाऊं। Are you ready for phase 1? तो गाइस
हम लोग पागल ही है। जब 12 12:30 बज रहा है पक्का, हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय बढ़िया है, बस इसीलिए रुके हुए। हम लोग गोला पहुंच गए, तो पल्लव भाई आप तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ पहुंचे हुए। और विकास भाई तो पूरा एकदम गरगटे उड़ा रहे हैं बाइक एक तो बस गोला गन्ना का शरबत यही सब हमारा जान बचा रहा है। और यहाँ से हम लोग सीधा लेफ्ट चल जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं रक्का डैम और 24 किलोमीटर दूर है। ये हमारा बाइक है, यही रफ्तू रोड में हम लोग जाएंगे। और चलिए गाइस चाय एंजॉय करते हैं, गोला है तो चाय जरूर पिए यहाँ पे। विकास भाई कैसा मजा आ रहा है? और चलिए गाइस रोड पे मिलते हैं हम लोग। तो ये गाइस देखिए, रांची पहुंचने से पहले ये घाटी कितना सुंदर लगता है। मौसम टोटल चेंज हो गया, अभी हम लोग पूरा धूप से आ रहे थे, धूप खत्म हुआ और कुछ आगे भीड़ किस वजह से पता नहीं, सब्जी मार्केट। अरे यार मुझे लगा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पर ये सब्जी मार्केट है अपना। तो मैं बात कर रहा था, अभी इतना धूप था कि पसीना निकल रहा था गोला तक। और जैसे ही गोला के बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं, और वो देखिए पूरा घाटी चारों तरफ पर्वत, और इतना अच्छा व्यू। अभी और ऊपर चढ़ेंगे तो कितना अच्छा व्यू आएगा। और मांझी 19 किलोमीटर, रांची 39 किलोमीटर, रामगढ़ 39, हजारीबाग 84, हुंडरू जलप्रपात 12 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है व्यू वहाँ से। और अभी हम ऊपर चढ़ना है पूरा। तो पल्लव भाई कैसा लग रहा है देख के? मजा तो जरूर आएगा, यही था सरप्राइज आपके लिए। और मेरे रांची से जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर जो रांची से है और बाहर रहते हैं, तो उनको अपना याद ताज़ा करने में मजा आ जाएगा। और अब हम घाटी पर चढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अंधा मोड़ गति 10 किलोमीटर सही में, ये सब ब्लाइंड कॉर्नर है। हाथी विचरण क्षेत्र, हाथियों को ना छेड़े, कौन छेड़ता है भाई। रांची का मौसम तो इतना सुहाना हो गया कि लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। देखिए हुंडरू फॉल 10 किलोमीटर, सिकिद्री, और मांझी वाले रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। 400 मीटर के बाद हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है। और ये मौसम पे तो मैं फिदा हो गया दोस्तों, गजब का मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा मार रही है, अभी शरीर को छू के जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीधा और मांझी चला जाएगा और हम यहाँ बाएं मुड़ जा रहे हैं। गेतलसूद डैम देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। व्यू तो देखिए दोस्तों, तो मौसम हमारा साथ दे रहा है सबसे बड़ी बात, इतना शानदार व्यू। रांची भी समझो एक तरह से हिल स्टेशन ही है। कूल कूल वातावरण मैं केजरीवाल तो बन ही गया हूँ पक्का, खांसी हो रखी है अभी तक। वी आर ऑलमोस्ट देयर। आज संडे बोल के काफी लोग आए हुए हैं यहाँ। क्या व्यू है दोस्तों, क्या व्यू।
ये देखिए दोस्तों, रक्का डैम का ही गेतलसूद डैम तो यही है दोस्तों। हाँ क्या लाजवाब व्यू है। यही है गेतलसूद डैम, लबालब पानी या डैम। सबसे बढ़िया चीज है मौसम हमारा इतना अच्छा साथ दिया है कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में। अच्छा ये नदी कौन सा है? यहाँ तो स्वर्ण रेखा नदी ना, जमशेदपुर तक ही जाता है ना ये नदी, जमशेदपुर में तो स्वर्ण रेखा है। तो ये गाइस ये व्यू है यहाँ का। डैम में पानी कम छोड़ा गया लेकिन उस तरफ पानी बहुत ज्यादा है। गेतलसूद डैम हम लोग पहुंच गए थे, ऊपर पॉइंट अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ चढ़ा हुआ। ये देखिए इस पे मैं चढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से व्यू पॉइंट है। और मौसम इतना खुश मिजाज है ना, जो ठंडा ठंडा हवा लग रहा शरीर पे ना, सारा थकानी उड़ गया हम लोगों का। और विकास भाई अपना थंबनेल का फोटो बना रहे हैं, हम लोग इनके फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, बस वो आ जाए फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। और यही है दोस्तों, आए जरूर आए। और मांझी से जस्ट पहले गेतलसूद का एक बना हुआ आपका साइन बोर्ड, वो देख सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं। रुक्का डैम उस तरफ है, उस तरफ रुक्का डैम है, लेकिन वहाँ से व्यू पॉइंट से ज़्यादा अच्छा यहाँ का व्यू पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे आए। और अभी हम लोग अगर टाइम हम लोग को परमिट करता है तो हम लोग यहाँ से पतरातू वैली में जाएंगे, निकलते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बस और क्या, इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हो सकता है व्लॉग आप लोग इस बार देखते हैं कैसा लगता है। बादल गरज रहा है, बारिश का संभावना है रांची में। ये जो वस्त्र भूषण हम लोग पहने हुए, हो सकता है ये गीला हो जाए। तो चलिए देखते हैं, भगवान की कृपा है, इंद्र भगवान क्या करते हैं। टेक्निकली आज हो रहा है 26 तारीख, तो अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हो तो मतलब ये 26 तारीख का वीडियो है। और कल 25 तारीख को मैं रांची का ट्रिप किया था, गेतलसूद डैम और पतरातू वैली। तो अभी भी जो है मैं नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अभी जो है ये वीडियो मैं दो पार्ट में डाले, आप देख रहे हो ये गेतलसूद के बाद वाला का वीडियो है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसके बाद पार्ट टू अपलोड होगा कुछ ही देर में, तो आप पार्ट टू चेकआउट कर लेना। यहीं के डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे क्लिक कर लेना, पतरातू वैली को दिखाऊंगा, क्योंकि दो वीडियो जैसे ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा का हो जा रहा था और एक वीडियो में ये करना एक ऐसा बोरिंग टाइप का हो जाता और काफ़ी लेंदी है और डॉन्टिंग टास्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो गाइस राइड हार्ड राइड सेफ, काफ़ी मुश्किल भरा दिन रहा, पार्ट टू में मिलते हैं हम लोग।